संजय लीला भंसाली ने पीरियड ड्रामा कहानियों को जिस ग्रैंड अंदाज में लगातार पर्दे पर दिखाया है, बॉलीवुड में शायद ही कोई फिल्म मेकर उस लेवल तक जा सके। और ये बात एक बार फिर से साबित होती है उनके पहले ओटीटी शो हीराबंडी के ट्रेलर से। जब ये अनाउंस हुआ था कि भंसाली बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर एक वेब सीरीज ला रहे हैं, तभी से लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ चुकी थी। हीरामंडी से अब तक सामने आए हर प्रमोशनल कंटेंट इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि बड़े पर्दे पर एक बार फिर से ग्रैंड सेट्स, शानदार गेटअप और कलाकारों की संजीदा एक्टिंग को दमदार कहानी में पिरोते हुए भंसाली एक और मास्टरपीस लेकर आ रहे हैं। हीरामंडी का ट्रेलर देखने के बाद आप भी कहेंगे कि भंसाली ने एक बार फिर से स्क्रीन पर मैजिक कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। भंसाली ने हीरामंडी जब अनाउंस की थी तो एक लाइन इस्तेमाल की थी, जहां तवाइफे रानियां थी। इस बार भंसाली की सभी मेन कैरेक्टर्स तवायफ हैं। हीरामंडी बंटवारे से पहले के लाहौर में एक इलाके का नाम है जो मुगलों के दौर में अपनी तवायफों के लिए जाना जाता था। शो में सोनाक्षी सिन्हा, मनीषा कोइराला, अदिति राव हैदरी, ऋचा चड्ढा, शर्मीन सहगल और संजीदा शेख जैसी एक्ट्रेसेस तवायफों के रोल में है। कहानी उस दौर की है जब भारत अपनी आजादी की लड़ाई के मुकाम पर है। ब्रिटिश राज के खिलाफ हिंदुस्तानियों की लड़ाई कामयाब होने ही वाली है। एक देश के दो हिस्से होने वाले हैं, लेकिन पावरफुल लोगों के रेमोगरम पर जिंदगी बसर करने वाली ये तवायफें इतने हिस्सों में बटने वाली हैं कि शायद कोई उन्हें गिन भी ना सके। और ऐसे में शाही अंदाज में जिंदगी जीती आई इन औरतों को अपना वजूद बचाने के लिए एक लड़ाई लड़नी है। ट्रेलर से ही साफ हो जाता है कि हीरामंडी एक जबरदस्त सीरीज होने वाली है। इसमें आप मल्लिका जान बनी मनीषा कोइराला को सभी पर राज करते हुए देखेंगे। हीरामंडी में मल्लिका जान का सिक्का चलता है, उनके अंगूठे के नीचे पूरी हीरामंडी की औरतों की किस्मत है। लेकिन फरीदन यानी सोनाक्षी सिन्हा उनकी दीवार को लांग चुके हैं। एक तरफ इन दोनों में टकराव चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नवाबों के साथ भी तवायफों की अलग कहानी है। इसी बीच ब्रिटिशर्स से भी उन्हें खुद को बचाना है। भंसाली ने मिताक्षर कुमार और स्नेहिल दीक्षित मेहरा के साथ मिलकर इस शानदार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को डायरेक्ट किया है। शो का म्यूजिक पहले ही काफी पॉपुलर हो चुका है। हीरामंडी के दो गाने राग पर बेस्ड सकलबन और तिलिस्मी बाहें रिलीज हो चुके हैं, जो ऑडियंस को खासे पसंद आए हैं। हीरामंडी के ट्रेलर में एक्ट्रेसेस का काम, कहानी और उस दौर की जिंदगी और विरासत को जिस खूबसूरती से भंसाली ने गढ़ा है, उसे देखने का इंतजार करना हर सिनेमा फैन के लिए मुश्किल हो गया है। मगर ये इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं है, क्योंकि हीरामंडी वेब सीरीज 1 मई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है। तो आपको इस सीरीज का कितना इंतजार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम और एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें।